नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके हैं और सबसे पहले 2 बजे की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां एक बार फिर से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर उतर आई है। कोलकाता में बीजेपी समर्थकों और पुलिस के बीच इस वक्त जबरदस्त भिड़ंत चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता सचिवालय मार्च पर उतरे तो पुलिस उनका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और इस तनातनी के बीच पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पानी की बौछारें भी कार्यकर्ताओं पर बरसाई गई। सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं बीजेपी कार्यकर्ता, लाठीचार्ज हो रहा है, हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ आज पार्टी सड़कों पर है और राजधानी कोलकाता में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, काबू में करने के लिए पुलिस ने भी बल प्रयोग किया है। तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आगजनी की घटना है। बल प्रयोग, पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, लाठी डंडों से उनको खदेड़ने की कोशिश की गई। मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, क्या हाल है इस वक्त पश्चिम बंगाल का? हाँ, लाइव कैंसिल है लगता है, निकल रहा है। मनोज्ञा लोहवाल, मनोज्ञा तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन इस बीच सड़कों पर हाल क्या है बताइए। भाई किसी ने काटा फोन। तो सड़कों पर जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वो विद्यासागर सेतु हो, हावड़ा ब्रिज हो, हर जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गाड़ियों को आने जाने की इजाजत नहीं है। प्रदर्शनकारी लगातार हाथों में बैनर झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल भी वहां पर किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, ऐलान किया गया कि यहां पर इकट्ठा मत होइए। मनोज्ञा लोहवाल जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, क्या तस्वीर वहां की तो हम देख रहे हैं, लेकिन हालात क्या है वहां के? मनोज्ञा लोहवाल, हालात तो पिछले कुछ मिनटों से सुधार आ रहा है, जहां एक और रास्तों पे सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही को फिर से एक बार शुरू किया जा रहा है, ये कहकर कि अब जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विरोधी पक्ष हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है, हटाया जा रहा है। अभी तक सुबह 7 बजे से दोपहर तक कई घंटों तक कोलकाता में एक गाड़ी नहीं चल रही थी। ऊपर जहां फ्लाईओवर का पूरा रास्ता बंद है, तो वहीं दूसरी ओर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं पूरे शहर में। चप्पे चप्पे पर इस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई। जहां हावड़ा में एक आर्म्स निकले हैं अभी कुछ प्रोटेस्टर्स के साथ, ऐसे में सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि विरोधी अगर भाजपा विरोध कर रही थी तो आर्म्स कैसे आए। पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है किसी को, लेकिन जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। भाजपा ने बार बार यही कहा है कि इसे अहिंसात्मक रूप से किया जाएगा। जो विरोधी पक्ष रहा है उसका यह भी कहना है कि जब सांसद सड़कों पर बैठे हैं तो गणतंत्र का ये कौन सा चेहरा है जहां पुलिस लाठी चार्ज कर रही है या फिर बार बार जल कमान छोड़ रही है। वहीं दूसरी ओर टीयर गैस भी छोड़ी गई, तो कहीं दिलीप घोष पे हमला, कहीं कैलाश विजयवर्गीय पर लाठी चार्ज, और इन सब के बीच में जहां एक ओर भाजपा ने अपना 99 चलो अभियान युवा मोर्चा की तरफ से किया, उसमें सौमित्र खां से लेकर तेजस्वी सूर्या से लेकर सभी शामिल हुए, और विरोधी पक्ष ने ये साबित करने का प्रयास किया कि 2 दिन के लिए जो 99 को यानी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यालय को बिल्कुल। लेकिन इस बीच क्या कहना है कैलाश विजयवर्गीय का, जो बीजेपी के प्रभारी है पश्चिम बंगाल में, आइए सुनते हैं। एक और विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो वही दूसरी ओर लाठीचार्ज भी हो रहा है। एक और है भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो वही दूसरी ओर है पुलिस जिसने पुरजोर प्रयास किया रोकने का। कहला जी, क्या हुआ है? लाठीचार्ज से लेकर वाटर कैनन तक सब बरसाए जा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, टीएमसी के गुंडे यहाँ पर पत्थर मार रहे हैं, पुलिस के साथ मिलकर हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन में व्यवधान डाल रहे हैं, लाठीचार्ज किया, हमारे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से हम 99 का घेराव करना चाहते हैं, किंतु ये लोग अप्रजातांत्रिक तरीके से, तानाशाही तरीके से आज पूरे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कि हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, इस सरकार को जब तक उखाड़ के नहीं फेंकेंगे जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन ये तो हजारों पत्थर आप मार रहे हैं, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन आप कर रहे हैं। सब टीएमसी के लोग हैं, गुंडे हैं, ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं। हमारा कार्यक्रम आप देख लीजिए, किसी कार्यकर्ता के पास पत्थर नहीं है, सिर्फ प्ले कार्ड है। हम प्ले कार्ड लेके चल रहे हैं और हमारे किसी भी कार्यकर्ता के पास किसी प्रकार का कोई पत्थर नहीं है। ये पुलिस और टीएमसी के गुंडे यहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं। कितने आपके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर चोट लगी है? कार्यकर्ता पूरे कलकत्ता के अंदर बहुत जगह पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता घायल हैं।
और लोगों को तकलीफ हुई है तो वहीं चोट भी लगी है। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, ये कहकर कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना था वो नहीं हो सका है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज लोहिवाल, कोलकाता आज तक।